आपने ट्वीट करके अपनी बात कही है, आपने कहा है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। किसने बचाया है, किस पर आप साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से जिस तरीके से सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे थाने को हटाना पड़ा, हर कर्मचारी पुलिस अधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा, कानपुर के पुलिस कप्तान बहुत दिनों से थे उन्हें हटाना पड़ा, जो चौबेपुर थाने के इंचार्ज थे जिन पर मुखबरी का आरोप था उन्हें जेल जाना पड़ रहा है, और ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मुखबरी पुलिस ने कर दी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 20 वो 10 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हुए, कुछ तो मौके पे जिनकी जान चली गई, कुछ इलाज के दौरान जिनकी जान चली गई, आखिरकार दोषी कौन है? और आज जब ये सूचना मिली है कि विकास का इनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है, जिसने आत्मसमर्पण किया हो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा ना उठ जाए, तमाम राज्य में दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें, कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी दो चीजें, एक तो पहले आपने कहा था 10 पुलिसकर्मी उस एनकाउंटर में, शूटआउट में दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को रख रही है, उनका यह कहना है कि विकास दुबे की मां ने बीते दिन कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में इस वक्त था, उससे पहले उसकी पत्नी के भी समाजवादी पार्टी से मेंबरशिप का पेपर दिखाया गया, क्या समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता किसी भी वक्त पर नहीं रहा? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को हर पार्टी से मिली थी, उसने 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया था, उन्होंने मायावती बहन जी का नाम लिया था, कहा था मुझे चेहरे से पहचानती है, मेरे दोस्तों को टिकट देती है, हर पार्टी से इसके रिश्ते थे, राजनीतिक संरक्षण इसे हर सरकार में मिला, 1990 से इसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 2020 तक लगातार हत्याओं पर हत्याओं का आरोप इस पर लगता रहा, लेकिन कभी भी अपने अंजाम तक ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं पहुंच पाया। अखिलेश जी, हाँ, हालांकि अगर संभव हो, शायद ये संभव नहीं होगा कि 5 साल के हम सीडीआर निकलवाएं और उनके और उसके आसपास के लोगों के, मैं समझता हूं जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ाने का है, उस जगह पर उस वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दूसरी महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया गया था। जहां तक ये पर्ची दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के मेंबर थे, कल को अगर कोई और मैगजीन उसके पास होती तो क्या वो सीधा सीधा उसका मालिक उसके लिए वो था? पता नहीं वो थी भी पर्ची के बाद में बना ली गई, ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हां ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो, जो शहीद हुए हैं उनको उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का राज न खुल जाए।